साथ मैं आपको ये टॉप बनाना सिखा रही हूँ। तो इसको मैं आपको बिल्कुल सेम टू सेम बनाना सिखाऊंगी जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, और ये टॉप आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये कपड़ा लिया है मैंने 2 मीटर और अस्तर का लिया है 1.25 मीटर। पहले कटिंग अस्तर में करेंगे। इस कपड़े को खोला और सीधा किया, उसके बाद इसको उल्टा कर दिया। कटिंग उल्टे साइड से होगी। तो सबसे पहले निशान लगाना है आपको 1 इंच का, जो रहेगा नीचे के लिए मार्जिन। तो ये ले लिया 1 इंच का मार्जिन नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए। अब आपको निशान लगाना है टॉप की लंबाई का। इसका नाप आप अपनी किसी टॉप से भी ले सकते हैं या कुर्ती से भी नाप लेकर बना सकते हैं। जैसे इसकी लंबाई है 23 इंच, तो 23 इंच यहाँ पे फिक्स रखेंगे। इस निशान से 23 इंच पे निशान लगा देना है। उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन का बढ़ाना है और इस लाइन को सीधा कर देना है। तो ये निशान लगा दिया हमने लंबाई का। अब निशान लगाना है आपको चौड़ाई का, ठीक है, कि आप कितने साइज का बना रहे हैं। तो यहाँ पे निशान लगाना है सीना का चौथाई भाग। तो जैसे कि मैं इसको 34 में बना रही हूँ तो उसका चौथाई भाग आएगा 8.5 इंच, लेकिन इसमें 3 इंच की लूजिंग रखेंगे। तो ये टॉप तैयार होगी 37 इंच की। तो अब हमें निशान लगाना है 37 का चौथाई भाग, जो आएगा 1.25 इंच, 9 इंच 2 पॉइंट, ठीक है। तो इसमें लूजिंग कितना बढ़ाया है 3 इंच। आगे के पार्ट में 1.5 इंच की लूजिंग हो जाएगी और 1.5 इंच पीछे के पार्ट में लूजिंग हो जाएगी। तो इसका निशान लगा दिया हमने 9 इंच 2 पॉइंट पे। अब इस निशान को सीधा करना है। 9 इंच 2 पॉइंट पे इधर लगा दिया और इस निशान को सीधा कर देंगे। तो अब निशान लगाना है शोल्डर का। नॉर्मली इसका शोल्डर 11 इंच आता, लेकिन इसका बोट गला बनेगा तो इस शोल्डर आएगा 13 इंच का। तो 13 का आपको हाफ रखना है। 13 का हाफ होगा 6.5 इंच। 6.5 इंच पे निशान लगा दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि डबल कपड़े में 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे हम मार्जिन नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 1 इंच का शोल्डर बढ़ गया है। अब रखना है आपको आर्म होल की साइज। तो आर्म होल भी इसका हम 6.5 इंच पे रखेंगे और इस निशान को सीधा करना है। तो अब आपको आर्म होल में क्या करना है, 1/2 इंच पीछे की साइड लेना है। जैसे कि मैं आपको कई बार बताती हूँ, जिसमें शोल्डर की चौड़ाई बढ़ती है उसमें आपको 1/2 इंच पीछे लेना है और इस निशान से इसको मिलाना है। अब आपको यहाँ पे 1 इंच के हिसाब से गहराई देना है और इससे मिला देना है। अब यहाँ पे आपको मार्जिन लेना है। पहले हमने लूजिंग ली थी, अब यहाँ पे आपको मार्जिन लेना है। तो ये कपड़ा हमारा सिलाई के बाहर रहेगा और सिलाई हमारी इस निशान पे चलेगी। तो अब एक निशान लगाना है आपको 7 इंच नीचे, आर्म होल के नीचे, और इसको सीधा कर दिया। अब यहाँ पे आपको कमर की फिटिंग नहीं रखना है, सिर्फ आप 1/2 इंच के हिसाब से, 1 इंच के हिसाब से हल्की सी यहाँ पे गुलाई दे दीजिए। तो इसमें 1 इंच की हम गुलाई दे देते हैं और इस निशान से इस तरह मिला देंगे। अब यहाँ पे आपको गले का निशान लगाना है। तो गले का निशान लगाएंगे 3.5 इंच का। 3.5 इंच लिया चौड़ाई में और 3.5 इंच लेंगे इसको लंबाई में। अब इस निशान को मिला देना है। अब 1.5 इंच ऊपर आपको एक निशान लगाना है और बोट का शेप दे देना है और इस तरह कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा झुकाओ, जैसे कि 2 पॉइंट का करते हैं वैसे ही आपको कर देना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट का झुकाव रखना है। तो यहाँ पे बस 1 इंच का आपका मार्जिन रहेगा और इसको इससे मिलाना है।
कटिंग आपको मार्जिन के निशान पे करना है। इस तरह आपको कटिंग करके निकाल लेना है। गले की कटिंग बाद में करेंगे जब हम अस्तर जोड़ेंगे। अब आपको पीछे का पार्ट निकालना है, तो सेम इसी तरह निकालना है। इसको रखिए और पीछे का पार्ट निकाल लीजिए। इस तरह आपको दोनों पार्ट काट के निकाल लेना है। और इसके आर्म होल में आपको कुछ नहीं करना है, स्लीवलेस के आर्म होल दोनों साइड बराबर ही रहते हैं। अब आपको ऊपर के पार्ट सेम आइडिया से निकाल लेना है। इसको रखना है और उसको निकाल लेना है। अस्तर के कपड़े को रखा और ऊपर के कपड़े को निकाल लिया है, तो सेम आपको दोनों पार्ट को निकालना है। इसको भी मैंने निकाल दिया है। अब इसके बाद आपको फ्रिल की कटिंग करना है। फ्रिल अब आपको कैसे निकालना है तो अब आप ध्यान से समझ लीजिए। इस तरह आपको इंची टेप रखना है और मिलाते चले जाना है। जितना भी ये आ रहा है आपको देखते जाना है और इंची टेप को पूरा घुमाते जाना है। और जिस निशान से आपकी सिलाई चलना है उधर से ही आपको फिर मोड़ लेना है। तो इस फ्रिल की लंबाई हो रही है 34 इंच, तो 34 ही हाफ में है। और फिर हमें दूसरी साइड भी लगाना है। इस फ्रिल की लंबाई रहेगी 68 इंच। तो अब हम फ्रिल निकालते हैं। तो ये फ्रिल सिर्फ आगे के पार्ट की रहेगी, पीछे की पार्ट की हम बाद में निकालेंगे। अब आपको फ्रिल की लंबाई कैसे रखना है तो अब आप ध्यान दीजिए। इस कपड़े की पूरी लंबाई पहले 34 रखिए, 2 इंच इसको एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए, तो इसको आप 36 से मोड़ के रख लीजिए। 36 कपड़े को पकड़िए और डबल में फोल्ड कर दीजिए। तो कपड़े को डबल में 18 इंच फोल्ड कर दिया है। अब उसके बाद इसको एक बार लंबाई में फोल्ड और कर देना है। इसको अब 4 लेयर में रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रिल आपको 36 इंच के हिसाब से निकालना है, तो डबल कपड़े को मैंने 18 इंच में रख लिया है। अब इसको एक बार फोल्ड और करना है, तो इसका हमें 4 लेयर बनाना है। अब इसको हमने 4 लेयर में रख दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस साइड दोनों साइड जॉइंट है। इस तरफ आपको जॉइंट का ध्यान रखना है और इस साइड भी आपको जॉइंट का ध्यान रखना है। तो अब आपको गुलाई देखना है। इस तरह आपको इंची टेप रखना है और देख लेना है। जैसे कि ये 18 आ रहा है तो इसमें गुलाई आ जाती है, इसलिए इसको फिक्स 18 नहीं रखना है। 1 इंच आप इसको कम कर दीजिए और यहाँ पे निशान लगा लीजिए। एक साइड निशान लगाने के बाद अब आपको इधर से देखना है। जैसे कि ये 12 इंच पे आ रहा है, तो इस तरह आप घुमाते जाइए और गुलाई से निशान बना लीजिए। इस तरह आपको निशान लगाना है। फिर आपको लंबाई देखना है कि आप फ्रिल की लंबाई 6 इंच रखना चाहते हैं या 7 इंच रखना चाहते हैं। तो मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 6 इंच, तो इसकी कटिंग करेंगे 7 इंच से। आधा इंच ऊपर की साइड मार्जिन लेंगे और आधा इंच नीचे की साइड मार्जिन लेंगे। तो आधा इंच ऊपर की साइड निशान लगा दिया। अब इधर से ही हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा देंगे। अभी ऊपर की साइड निशान क्यों लगा दिया है, क्योंकि इसकी गुलाई से गहराई बहुत बढ़ जाती है, तो ऊपर की साइड आपको निशान लगा देना है जिससे इसकी गहराई कम हो जाएगी। इस निशान को हमने 7 इंच पे लगा दिया है। अब इसी निशान पे हमें कटिंग करना है। इस तरह घेरे को काट के निकाल लेना है। उसके बाद इसको खोलना है। इसको इस तरह उठाया और एक साइड से इसका जॉइंट खोलना है। एक साइड जॉइंट खोलने के बाद अब आपको इसकी फिक्स 34 साइज लाना है। जो आपकी फ्रिल की साइज थी उसे आप एक बार नाप के फिर देख लीजिए। और ये हो गया 34।
एक इंच इसको एक्स्ट्रा रखिए मार्जिन के लिए। तो 34 इसका फिक्स था और कटिंग की थी जब हमने 2 इंच इसको बढ़ाकर की थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है और बाकी कपड़े को काट के निकाल देना है। अब इस निशान को लगाने के बाद आपको एक निशान और लगाना है जो 5 इंच ऊपर, ऊपर की साइड निशान लगा दिया। अब आपको इस निशान को सीधा करना है। इसमें आपको फ्रिल को ही अच्छे से समझना है, तो इस तरह निशान को सीधा करना है। उसके बाद आपको 2 इंच पे निशान इधर लगाना है। इस तरह निशान लगाने के बाद अब आपको यहां से गुलाई देना है और इधर मिलाना है और इस तरह मिला दीजिए। तो ये हो गया नीचे की फ्रिल का शेप। उसके बाद अब आपको सेटिंग करना है ऊपर की साइड। फ्रिल को इस तरह पकड़ना है और जॉइंट की साइड रखना है। अब आपको ध्यान इधर ही देना है कि फ्रिल को कैसे सेट करेंगे। जो हमने गले का निशान इसमें लगाया था वही निशान हमें ऊपर के पार्ट में लगा लेना है। साढ़े 3 इंच रखा और 1.5 इंच के हिसाब से गले की कटिंग कर दी। तो गले के शेप को इसमें लेना है और कटिंग कर लेना है। अब आपको फ्रिल के बीच सेंटर में एक कट लगाना है और इस गले से मिलाना है। तो इसको सीधा रखना है, इसको सीधा रख देंगे और टिक लगा देंगे। गले के बीच सेंटर से आपको मिलाकर रखना है और ऊपर की साइड खिसका देना है और यहाँ पे पिन लगा देना है। तो इस तरह पिन लगाकर रखना है। उसके बाद अब आप ध्यान दीजिए क्या करना है इसमें। इसमें यहां से थोड़ी सी इसको सेटिंग करना है। तो यहाँ पे 1/2 इंच के हिसाब से इसकी सेटिंग कर देना है। बस यहाँ पे इसकी गुलाई को कम करना है। तो आपको थोड़ा सा बस फ्रिल में ही समझना है, बाकी तो ये सेम ही रहेगा। तो इस तरह आपको सेटिंग करना है। उसके बाद गले के कपड़े को भी काट के निकाल लेना है। इस कपड़े को काट देंगे तो अब आप देख सकते हैं कि गले की कटिंग हमने फ्रिल में भी कर दी है। बस आपको फ्रिल में ही समझना है और बाकी तो बनाना इसे आसान है। तो आगे की फ्रिल तैयार हो गई है, ठीक है। इसको लगाना मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम पीछे के लिए फ्रिल निकाल लेंगे। अब हमें पीछे की फ्रिल निकालना है, तो अब आप ध्यान दीजिए कि आपको कैसे निकालना है। तो जैसे मैंने आपको आगे की पार्ट का आइडिया दिया था वैसे ही आपको सेम पीछे की पार्ट की निकालना है। लेकिन इसमें चेंज क्या रहेगा, इस निशान से 5 इंच ऊपर रहेगी फ्रिल, ठीक है, और यहाँ पे फ्रिल खुली हुई रहेगी। तो यहाँ पे आप खुले हुए कपड़े से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। काटने का आइडिया सेम रहेगा, पीछे की फ्रिल थोड़ी छोटी रहेगी और यहाँ पे खुली रहेगी। इस तरह हमने पीछे की फ्रिल को भी निकाल लिया है। तो अब आपको क्या करना है, वैसे ही यहाँ पे गुलाई देना है और ये रहेगा पीछे की साइड खुला हुआ। तो बस यहाँ पे आपको गुलाई देना है इसमें नीचे की साइड और ये रहेगा गले की साइड। अब आपको मैं पीछे के गले में इसको ज्वाइंट करके बता रही हूं। ये पीछे का पार्ट है, आगे की साइड टिक कर लेंगे कि ये हमारा सीधा कपड़ा है और इसके बीच के सेंटर में एक निशान बनाना है जो आगे के कपड़े में से हमने गले को काट के निकाला था उसी को इसके ऊपर रखेंगे और काट के सेम निकाल देंगे। इसका भी आप एक बार सेंटर देख लीजिए और सेम काट के निकाल लेना है। तो गले को खोलने के बाद अब फ्रिल को उठाना है। खोलने के बाद आपको इसी से मिला के ऊपर की साइड रखना है। इस तरह मिला के रखेंगे और गले की कटिंग इसकी भी कर देंगे।
तो आपको गले का कपड़ा पूरा काट के निकाल लेना है, तभी इसका शेप परफेक्ट आएगा। तो आपको बस गले के कपड़े को काट के निकालना है, इधर सेटिंग नहीं करना है, पीछे की साइड इसी तरह का रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि कटिंग इसकी पूरी हुई है। अब हमें फ्रिल इसमें ज्वाइंट करना है। तो अब आपको इस तरह पिन लगाकर रोक के रखना है। अब आप देख सकते हैं कि कटिंग आपकी कंप्लीट हुई है, बस आपको अब ज्वाइंट करना शुरू करना है। तो ये पीछे का पार्ट है और ये आगे का पार्ट है। पीछे के पार्ट में आपको खोलना है और आगे का पार्ट आपका इस तरह का रहेगा। ये इसका पीछे का स्तर है और ये इसके आगे का स्तर है। इस तरह कटिंग हमारी पूरी हुई है। अब आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। चलिए अब सिलना शुरू करेंगे। तो फ्रिल आपको कैसे लगाना है, इसके लिए मैं पहले आपको कच्चे धागा से डाल के दिखाऊंगी, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि फ्रिल को कैसे ज्वाइंट करना है। तो गले के साइड से ही इसमें ज्वाइंट लगाना शुरू करेंगे। और इसमें बड़े बड़े धागा डालते जाना है। तो पहले हम यहां तक डालेंगे, इस तरह मैंने गले में सिलाई डाल दी है। उसके बाद अब आपको ध्यान इधर देना है, कंधे की सिलाई के पास। तो अब आपको ध्यान इधर देना है, जो कंधे का ये पार्ट होता है उससे फ्रिल को मिला देना है। मिलाने के बाद इस तरह धागा डालते हुए आपको मोड़ के निकाल लेना है। अब यहाँ पे सिलाई डालने के बाद आपको फिर एक मोड़ देना है। इसको पूरी फ्रिल को, इस फ्रिल को इस तरह ऊपर की साइड कर देना है और यहाँ पे मोड़ ले लेना है। तो ये मोड़ आसानी से नहीं आएगा, इसलिए आपको पहले कट लगाना होगा। तो यहाँ पे कट लगा देंगे। अब इस कपड़े को इधर से निकाल लेंगे और मिलाते हुए आपको आर्म होल के पास आना है। इधर से घुमाते हुए धागा को इधर लाना है। आर्म होल के पास आएंगे और जो आपने मार्जिन लिया है उधर ही आके आप रोक देंगे। इस तरह आपको आर्म होल में भी डाल देना है। उसके बाद अब मार्जिन पे आपको निशान लगा लेना है। जो आपने मार्जिन लिया है उसको नाप लीजिए। 1 इंच का मार्जिन है तो 1 इंच पे आपको निशान बना लेना है। जैसे मैंने इसमें 1 इंच का मार्जिन लिया है तो 1 इंच पे इधर निशान लगा दिया। अब 1 इंच का पूरे में निशान आपको लगा लेना है, जिससे आपको याद रहेगा कि सिलाई आपकी इसी निशान पे चलना है और फ्रिल भी हमें उसी पे ज्वाइंट करना है। इस तरह निशान बनाना है। निशान बनाने के बाद आपको फ्रिल इसी के ऊपर रखना है, निशान के ऊपर। अब यहाँ पे भी आपको कपड़ा मोड़कर निकालना है, तो यहाँ पे भी आपको एक कट लगाना है। जहां पे भी मोड़ आएगा उधर आपको कट लगाना है। तो इसमें 2 मोड़ आएंगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। फिर जब आप दूसरे पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 2 मोड़ मिलेंगे, तो आपको कट लगाना है और सीधे निकाल लेना है। तो यहाँ पे भी मैं कट लगा देती हूँ। कट लगाने से कपड़ा आसानी से मुड़ जाएगा। और एक बात आपको बता देती हूँ कि आपको ध्यान देना है कि ये कपड़ा भी सीधा है और फ्रिल भी हमारी सीधे में ही लग रही है, ठीक है। इसके ऊपर अस्तर को रखना है और इसे फोल्ड करना है। तो वो मैं आपको आगे सारी चीजें बताती जाऊंगी। तो अभी आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि ये कपड़ा आपका सीधा रहेगा और फ्रिल भी आपकी सीधी रहेगी। इस तरह आपको धागा डालते आना है। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखिए, ये कपड़ा बिल्कुल इसके बराबर हो गया है। तो हम इसको 1 इंच काट के निकाल देंगे, क्योंकि 1 इंच ये दब जाएगा, इसलिए आपको 1 इंच कपड़ा यहाँ से निकाल लेना है। अगर बढ़ता है तो, ये सॉफ्ट कपड़ा है इसलिए ऐसा हो रहा है, और यहाँ पे रोक देंगे। इस तरह आपको फ्रिल को इसमें रोक देना है। अब इसमें अस्तर लगाएंगे, तो अस्तर को इसके ऊपर रख दिया।
अब आपको मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि ए सीधा पार्ट है और अस्तर को उल्टा रख दिया, ठीक है, बराबर मिला के रखना है और पिन से इसको रोक देना है। इस तरह पिन लगाकर अस्तर को रोक दिया है। अब इसको उल्टा करना है, तो इस तरह आपको रख लेना है। इस तरह रखने के बाद अब आपको इसी के ऊपर सिलाई चलाना है, तो आपको सिलाई अब दो पॉइंट के हिसाब से चलाना है। सिलाई को डालने के बाद अब आपको इस गले के कपड़े को काट के निकाल देना है। इसको काट के निकालना है और इसमें कट लगाना है। आर्म होल में भी आपको कट लगाना है। कट लगाते समय आपको ध्यान देना है कि सिलाई आपकी ना कटे। इस तरह इसमें कट लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद पिन को निकालना है और इसको पलट देना है। इसको पलटने के बाद इसको अच्छे से दबा देना है कि अस्तर इसका बिल्कुल पीछे की साइड रहे और कच्चे धागे को काट के निकाल लेना है। तो धागा अभी आपको सिर्फ आर्म होल तक ही निकालना है। कच्चे धागा को निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, फ्रिल को ऊपर की साइड कर देना है और नीचे दो पॉइंट के हिसाब से सिलाई घुमा देना है। फ्रिल को बाहर करते जाना है और सिलाई घुमाते जाना है, ठीक है। अस्तर को जमाने के लिए आपको सिलाई इस पे लगाना है, आर्म होल में भी लगाना है, दोनों साइड। तो इस तरह मैंने अंदर की साइड सिलाई डाल दी है। उसके बाद अब बस पिन लगा के इसको रख देना है और पीछे का पार्ट आपको तैयार करना है। पीछे के पार्ट को बनाने के बाद यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। अब पीछे का पार्ट तैयार करते हैं। तो ये पीछे का पार्ट है, अब आपको उसी तरह इसमें भी फ्रिल जॉइंट करना है। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे जो कट लगा है पीछे की साइड, उधर आपको दो पॉइंट कपड़ा छोड़ना है। यहाँ पे दो पॉइंट कपड़ा छोड़ देंगे अस्तर जॉइंट करने के लिए। अब इसको दो बार फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड करेंगे और फिर इसको डबल फोल्ड कर दिया और इस पे एक पिन लगा दिया। इसमें सिलाई बाद में डालेंगे जब पूरी टॉप कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने इसको एक पिन से रोक दिया है। अब आपको क्या करना है, कच्चे धागे से इसको रोकते जाना है। जैसे हमने उसमें फ्रिल ज्वाइंट की थी वैसे ही आपको सेम आइडिया से इसमें भी ज्वाइंट कर देना है। तो यहाँ पे कट लगाना है, कट आपको ज्यादा बड़ा नहीं लगाना है, छोटा सा कट देंगे तो ये इस तरह फोल्ड हो जाएगी। तो कट देके इसको निकाल लेना है और यहाँ पे ज्वाइंट करते हुए एक इंच कपड़ा यहाँ पे छोड़ेंगे और फ्रिल को फिर नीचे की साइड लाना है। और जहां तक ये फ्रिल जा रही है उसको वहां तक रोक देना है। उसी तरह मैंने इसमें भी फ्रिल को रोक दिया है। अब आपको इसके ऊपर अस्तर रखना है और पलट देना है। ये सीधा है, अस्तर को उल्टा रख दिया, पिन से रोक लेंगे और फिर इसको पलट देंगे। पिन लगाने के बाद इसको पलट देंगे। तो आपको फ्रिल का ध्यान देना है कि फ्रिल आपकी पूरी अंदर की साइड रहे और इसका गला बनाने के लिए एक पिन इधर भी लगा लेना है। अब आपको दो पॉइंट के हिसाब से इस पे सिलाई चलाते आना है। इधर तक लाएंगे और फिर आपको नीचे की साइड आना है और इस तरह तिरछी सिलाई आपको ऊपर की साइड निकाल लेना है। इस तरह तिरछी सिलाई निकालना है और फिर आपको ऊपर की साइड जाना है और गोलाई से सिलाई डाल देना है। तो सिलाई आपको बस यहां तक डालना है,
यहाँ पर सिलाई डालने के बाद फिर आप सिलाई इधर से शुरू करेंगे और आर्म होल में घुमाते हुए इधर तक रोक देंगे दोनों साइड। तो इस तरह आपको सिलाई डाल देना है, उसके बाद यहाँ तक आपको कट लगाना है, सीधा इसको काट देना है और कपड़े को निकाल लेना है। और यहाँ पे आपको ध्यान से सिलाई डालना है कि फ्रिल आपकी अंदर की साइड हो, मतलब फ्रिल इसमें जुड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पे कट लगा देना है। और यहाँ पे कट आपको सिलाई से दूर ही लगाना है कि सिलाई आपकी ना कटे। पिन को निकालेंगे और इसको पलट देंगे। तो इसको सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद अब आपको इस पे भी एक सिलाई डालना है, जैसे हमने उस पे डाली थी अस्तर रोकने के लिए, वैसे ही आपको इधर भी सिलाई डालना है। तो आपको फ्रिल को ऊपर करते जाना है और इस पे सिलाई चलाते जाना है। दो पॉइंट के हिसाब से आपको सिलाई चलाते जाना है दोनों साइड, आर्म होल में भी और गले में। और यहाँ पे भी आपको घुमाते हुए सिलाई ऊपर की साइड ले जाना है। तो इसमें भी मैंने अस्तर को रोकने के लिए पूरे में सिलाई डाल दी है। सिलाई आपको अंदर से ही डालना है और फ्रिल आपकी कहीं पे ना दबे। और इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि फ्रिल आपकी कहीं सिलाई से ना दबे, इसको पूरा फ्री रखना है आपको, ठीक है, एकदम फ्री रहेगी। तो अभी मैंने इसको इस तरह पलट के रख दिया है, लेकिन जब आप पहनेंगे तो ये आस्तीन पे इस तरह की आ जाएगी, ठीक है। तो अभी इस तरह रख देते हैं और कंधे की सिलाई को ज्वाइंट करना है। तो अब आपको इसके ऊपर आगे का पार्ट रखना है। तो इस तरह बराबर से मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला देना है। फ्रिल को नीचे की साइड झुकाना है और इस तरह पकड़ेंगे, इस तरह से मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला देना है। दोनों साइड आपको इसी तरह सिलाई डालना है। इस तरह आपको कंधे पे सिलाई डाल देना है, उसके बाद इसको पलटना है। सीधा करने के बाद अब आपको इस कपड़े को इस तरह दबाना है, एक साइड आप दबा दीजिए, दबाकर फ्रिल के अंदर से इस पे सिलाई चला दीजिए, जिससे ये कपड़ा दब जाएगा। यहाँ पे सिलाई चलाना है। तो दोनों साइड आपको इसी तरह करना है, कपड़े को दबाएंगे और फ्रिल को ऊपर की साइड उठाना है और यहाँ पे सिलाई चला देना है। तो ये सिलाई आपकी अंदर ही रहेगी। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने फ्रिल को ऊपर किया और इसके नीचे से सिलाई डाल दी है, ऊपर की साइड आपको बिल्कुल सिलाई नहीं दिखेगी। अब आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सफाई से रहेगा और पीछे की साइड कपड़ा दब जाएगा। अब मैंने इसको फिर उल्टा कर दिया है और फ्रिल को अंदर की साइड करना है और आपको बगल में सिलाई डाल देना है। तो आपको अब नीचे तक सिलाई डालना है। तो जितना आपने मार्जिन लिया है उस हिसाब से आप सिलाई डाल दीजिए। जैसे मैंने इसमें एक इंच का मार्जिन लिया था तो एक इंच के हिसाब से नीचे तक सिलाई डाल देंगे। तो आपको अपने मार्जिन के हिसाब से सिलाई डाल देना है दोनों साइड। तो अब आपको ध्यान देना है कि फ्रिल यहाँ पे मुड़ी ना हो, क्योंकि फ्रिल इसी में ज्वाइंट होगी। तो अच्छे से संभालते हुए इस सिलाई को डाल दीजिए। दोनों साइड सिलाई डालने के बाद अब आपको यहाँ पे सिलाई डालना है, नीचे की साइड एक साइड से पकड़ना है और इसको दो बार फोल्ड कर देना है। एक इंच कपड़े को दबाते जाना है और सिलाई डालते जाना है और पूरे में गोल घुमा देना है, फिर आपकी टॉप बनकर कंप्लीट। कपड़े को डबल में फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई घुमा दी है, अब इसको सीधा करना है। तो ये बनकर कंप्लीट हुई। अब आपको फ्रिल में सिलाई डालना है, तो पहले आप एक बार फोल्ड कीजिए और इसको डबल फोल्ड कर दीजिए
और इसमें एक सिलाई डाल दीजिए, या फिर आप इसमें इंटरलॉक करवाइए इसी कलर के धागा से, तो ये बहुत सुंदर दिखेगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बटन लगाना है, तो आप बटन भी लगा सकते हैं और हुक भी लगा सकते हैं, ये आपकी पसंद के ऊपर है। तो बस आप बनाइए, ट्राई कीजिए। ये टॉप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये टॉप बनके कंप्लीट है, अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।